चलिए बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर एंड देन वी विल स्विच टू द नेक्स्ट वन। इसके पहले जो दो तीन क्लासेस हुई मेरी, द फर्स्ट वन वाज वेरी बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास दैट वाज एब्सोल्युटली बी फोकस्ड ऑन नीट प्रिपरेशन, मिशन एमबीबीएस, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है। दैट लेक्चर इज ऑल्सो आई अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, परफेक्ट। तो वो भी अभी आप थोड़ी देर से देख पाएंगे या शाम को से देख लीजिएगा, जिसका भी मिस हुआ है। वेरी फर्स्ट सेशन इतना बढ़िया तरीके से मैंने शायद वो फर्स्ट ए फेस को भी नहीं बताया। कुछ ए वाले बच्चे बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे हैं कुछ ए वाले बैच के बच्चे? यस सर। तो शायद ए बैच में भी मैं उस तरीके से पहला दिन उनको साथ नहीं बताया। अभी मैंने आपके लिए वो लेक्चर भी अपलोड कर दिया, उसको देखिएगा शांति से। फिर मैंने उसमें कुछ हायरार्कीज बताई थी आपको, जिसमें लिविंग की, नॉन लिविंग की और तमाम हायरार्कीज थी, टेक्सोनॉमी की हायरार्की, इकोलॉजी की हायरार्की, ये सब मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने पूरा लिविंग वर्ल्ड, आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था बट लर्निंग पार्ट था, हर्बेरियम फाइल क्या होती है, म्यूजियम स्पेसिमेंट्स क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, सब मैंने आपको। एंड देन एक कंसेप्चुअल चैप्टर पे स्टार्ट किया, मैंने स्विच किया था, दैट वॉज बायोमोलिक्यूल्स। Biomolecules, I told you that biomolecules are categorized into two categories. कौन कौन से हैं? फटाफट अनम्यूट करके जवाब दीजिए। Biomicromolecules and biomacromolecules. Perfect. बच्चों बस ऐसा इंटरेक्शन होता ना तो मजा आ जाएगी क्लास। बायो मैक्रो एंड द अदर वन इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब एनीवन कैन टेल मी व्हाट वाज द मैक्रोमोलिक्यूल? Which contains more than 1000 daltons. Whose at molecular weight is more than molecular weight is. Perfect. There were three parameters. One was if molecular weight was more than 1000 dalton and if molecular weight is less than 1000 dalton. दूसरा एक और बताया था मैंने, क्या बताया था? Retinant during filtrate. Perfect. यदि bio macromolecule है तो ये filter करने पर एज अ रेटेनेंट और ये एज अ फिल्ट्रेट। परफेक्ट। थर्ड वन एक और बताया था कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बायो की क्लास में तो क्या किया करो, वो म्यूट अनम्यूट वाले पे हाथ रख के ऐसा उस पर बैठा करो, तो मतलब फटाफट ऐसे आंसरिंग हो तो मजा आ जाएगा। ओके, एक था एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एक था एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, बट कैन एनीवन टेल मी कि यार ये कौन सा एसिड था, एसिड का नाम क्या था? एनीवन? लिपिड, ट्राइक्लोरो एसिड, सॉरी, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें मिलाने पर यदि वो रेटेनेंट में आता है तो वो मैक्रो है, यदि वो फिल्ट्रेट में आता है तो माइक्रो है। ऑब्वियस सी बात है, छोटा होगा, सॉल्युबल होगा तो अंदर आएगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था दोस्तों, लिपिड हुज मॉलिक्यूलर वेट इज 800 डाल्टन्स एंड एसिड इनसॉल्युबल ड्यू टू इट्स नॉन पोलैरिटी। कौन बोला? वेदांत सर। वेदांत, वेरी नाइस। क्योंकि लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कायदे से है तो यार 800 से कम, 800 डेल्टन, यहाँ तो हजार की बात कर रहे हैं, 800 डेल्टन से कम, तो कोई भी उसे समझदार व्यक्ति बायो माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखेगा। लेकिन वही जब दूसरा पैरामीटर उस पर अप्लाई करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो समवन विल एक्सपेक्ट कि क्या वो दैट शुड प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। परफेक्ट, बट इट वॉज प्रेजेंट इन रेटेनेंट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फिर उसके पीछे कारण पता लगा कि उसका वो एक नेचर अलग है, बाइपोलर नॉन पोलर नेचर, जिसकी वजह से वो उसमें नहीं मिला और वो रेटेनेंट में आया। तो यहां पर मैंने एक्सेप्शन करके नोट करके भी आपको लिखवाया था, इफ आई एम करेक्ट स्पंदन, राइट? यस सर। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप के एस्टिमेशन होते हैं, कौन कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वन वॉज क्वांटिटेटिव एंड वन वॉज क्वालिटेटिव। वेदांत, आप एमए बैच से आए हैं, इफ आई एम करेक्ट? यस सर। ओके, एमए बैच से आते हैं तो कॉन्फिडेंस एक अलग आया ना, कि अपने को अब समझ में आती चीजें, आंसर साथ में, राइट? यस सर।
मतलब ये होता बच्चों, चीजों को बार बार पढ़ो, मैंने तो उसमें से पॉजिटिव क्या निकाला, चीजों को बार बार पढ़ो तो बाय डिफॉल्ट आंसर आने लगते हैं। परफेक्ट, यस सर। बस तो ऐसे ही सबके साथ होने वाला है, यही चैप्टर यदि मैं दूसरी बार पढ़ाऊंगा तो जैसे अभी आपके आंसर आ रहे हैं, जैसे आंसर आने लगते हैं। दैट मीन्स घबराने का नहीं दोस्तों, मिशन एमबीबीएस मैंने कहा था, घबराने से काम नहीं चलेगा, आपको चलते रहना है, चलते चलना है और पढ़ते रहना है। ठीक, चलिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, यदि मुझे प्रेजेंस और एब्सेंस देखनी है तो कौन सा टेस्ट? क्वालिटेटिव। प्रेजेंस और एब्सेंस। यदि मुझे अमाउंट देखना है तो कौन सा टेस्ट? क्वांटिटेटिव। ये भी बात क्लियर हो गई। और बस इसके बाद मैंने कहा था इसके बाद की चीजें जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और आज शुरू करते हैं इसी के आगे थोड़ा सा, फिर अमीनो एसिड पढ़ाएंगे। ये जो अमाउंट और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट मैंने बताया, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट दो टाइप के हो सकते, या तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स या एलिमेंटल, या तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स या तो एलिमेंट, दोनों जो भी वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, उसको मैंने कह दिया कि या तो वो कंपाउंड टेस्ट होंगे, इसको आगे बढ़ा सकते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, एंड एक होगा एलिमेंटल। जो बच्चों एलिमेंटल टेस्ट होगा, यानी एलिमेंट, फाइन एलिमेंट पता करना है, इसको कई बार डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से करते हैं, इसके लिए एक टेस्ट होता है एश टेस्ट। एश टेस्ट मतलब भाई मुझे पता करना है कि इसमें क्या एलिमेंट है फाइनली। एक सबसे बढ़िया तरीका है, इसको मैं जला दूं, राख बची रहेगी, जो राख बची रहेगी उसको मैं लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर लूं, पता है मुझे कि इसमें नाइट्रोजन है या इसमें पोटेशियम है, कितना है वो पता करना है मुझे, तो मैंने क्वांटिटेटिव कर लिया। मैंने जलाकर ये पता कर लिया कि इसमें नाइट्रोजन है या नहीं, तो मैंने क्वालिटेटिव कर लिया, वॉट एवर द केसेस। बट यदि एलिमेंटल एनालिसिस करना है तो जनरली एश टेस्ट होता है, जिससे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन पता लगता है, और इससे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन पता लगता है। दैट्स इट, इतना ही आपके सेकंड पेज पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसमें आप मुझसे पूछे किस पर सवाल आएगा, तो वो भी अभी बता दूं आपको, ये रहा आपका नीट का सवाल, एसिड सॉल्युबल पूल में कौन है, एक्सेप्शनली कौन है, कौन रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा जाए। आई होप इट इज नोटेड। नोटेड? यस सर। परफेक्ट। अब हम एक एक बायोमोलिक्यूल पर पढ़ते हैं बच्चों, इसको अब मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक एक बायोमोलिक्यूल पर पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके इसमें तो दो टेबल दिए गए, वो अर्थ के क्रस्ट पर क्या क्या कितना कितना है, वो मेरा पार्ट नहीं है, वो आपको लर्न करना है। हाइड्रोजन कितना, कार्बन कितना, सल्फर कितना, फॉस्फरस कितना, वो टेबल आपको पढ़ना है, वो कोई बहुत ज्यादा वर्थ मुझे नहीं लगता ना नीट में ना मेरे को समझा। अब एक एक करके जो आपको बायोमोलिक्यूल दिए गए वो कौन कौन से दिए, एक दिया गया आपको अमीनो एसिड, सबसे पहले देखिए मेरा सीक्वेंस सही है क्या, अमीनो एसिड दिया गया पहले सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में उसी पेज पर, दूसरा आपको दिया गया लिपिड, तीसरा आपको दिया गया न्यूक्लिक एसिड, चौथा आपको दिया गया आई थिंक कार्बोहाइड्रेट, पांचवा आपको दिया गया आई थिंक प्रोटीन, और छठा आपको दिया गया आई थिंक एंजाइम्स। इतने बायोमोलिक्यूल पढ़ना और अपना चैप्टर फिनिश। अब मेरा सीक्वेंस क्या होगा, मैं अमीनो एसिड पढ़ाने के बाद प्रोटीन पढ़ाऊंगा और प्रोटीन के बाद एंजाइम पढ़ाऊंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और प्रोटीन एक बहुत बड़ी वॉल है जिसकी हर एक ईंट अमीनो एसिड की बनी है। तो पहले अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन और फिर एंजाइम्स। नोटेड? श्रेया, गुंजन, मुग्धा, नोटेड? यस सर। ओके, शुड आई स्टार्ट विथ अमीनो एसिड? ऑल सेट? यस सर। यस सर। आगे डालिए बायोमोलिक्यूल अमीनो एसिड्स। बायो मॉलिक्यूल और उसमें
अमीनो एसिड. पॉइंट नंबर वन, मैं बोलता भी चलूंगा लिखता भी चलूंगा, आप मेरे साथ भी लिखते चलेंगे. अमीनो एसिड मैंने डबल ए लिख के छोटा वो लगा दिया, अमीनो एसिड ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के. कौन? अमीनो एसिड्स. परफेक्ट. पॉइंट नंबर टू, अमीनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ. मेरे साथ लिख रहे हैं स्पंदन? यस सर, राइटिंग. प्रोटीन पॉलीमर. अमीनो एसिड जो होते हैं ये मोनोमर कहलाते हैं. मोनोमर मतलब बच्चों सिंगल यूनिट, जैसे एक एक ब्रिक को जोड़ जोड़ कर ईंट 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 से दीवार बनती है बहुत बड़ी, वैसे ही छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट को मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनती है पॉलीमर. तो प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड उसके कंपैरिजन में छोटा मॉलिक्यूल है, और ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं. गॉट इट? ओके. डॉक्टर शाह, डॉक्टर बोबड़े, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर वर्गीस, अग्री? यस सर. ओके. पॉइंट नंबर थ्री, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स consist of carboxylic group COOH and amino group NH2. carboxylic group and amino group. Noted. चलिए, इसका स्ट्रक्चर अब मैंने लिख तो दिया, कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप. तो वो क्या होता है भाई? वेरी सिंपल, कार्बन की मैंने चार वैलेंसी बना दी. आई होप यू नो दिस. कार्बन हैज फोर वैलेंसी. अबल, आदित्य दो से लॉग इन किए हो आप? नहीं सर, एक ही इससे लॉग इन है. तो फिर दूसरा आदित्य कौन है? सर ये मैं हूँ, अलग आदित्य. अलग है कि नाम तो बता मेरे भाई. आदित्य शेवाड़े. आदित्य शेवाड़े, ओके ठीक. तो डॉक्टर शेवाड़े, ऐसा है कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, एवरीवन नोस. विधि, शुभम, संजना? यस सर. वन इज एल्किल ग्रुप, वन इज हाइड्रोजन, one is carboxylic group that I wrote here, and one is amino group that I wrote here. So this is the simplest amino acid, and the example is glycine. The simplest amino acid is glycine, in which one amino group is there, one carboxylic group is there. Point number four. Teen tak koi doubt kisi ko? इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन. पहला नंबर है इसलिए इसको कहते हैं अल्फा. दूसरा होता है कैटेनेशन टेंडेंसी, यदि कार्बन कार्बन की चेन होती उसे अपन कह देते दोस्तों बीटा कार्बन. ओके चलिए, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट्स का क्लासिफिकेशन बना लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया अपने को कि उसके कंपोनेंट के बेस पर, या तो बेस्ड ऑन आर ग्रुप, एंड बेस्ड ऑन
नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस पे डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा होगा. वेरी सिंपल, यदि आर ग्रुप के बेस पर आप करते हैं, यहां भी आर दोनों तरफ आर है या आर की जगह एच है, तो यहां पर तीन कैटेगरीज बना दी दोस्तों मैंने. ये नोट्स पढ़ने के बाद यकीन मानिए आपको एनसेटिक रीड करना है बस, तो मजा आता जाएगा, तो बिल्कुल सेम मिलता जाएगा. इफ एच देन ग्लाइसिन, इफ एच देन ग्लाइसिन, इफ सी एच थ्री देन, यदि यहां पर सी एच थ्री है देन एलानीन, इफ पहले एच हो गया मिथाइल हो गया, इफ हाइड्रोक्सी मिथाइल, इफ हाइड्रोक्सी मिथाइल देन सेरीन. सिंपल. यदि बात करते हैं अमीनो, क्या लगता है आपको, ये ज्यादा होगा तो अमीनो एसिड एसिडिक होगा कि ये ज्यादा होगा तो एसिडिक? Anyone? NH2. ये ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा. कौन बोला? संजना सर. संजना क्या ही कर रही है बेटा, इसका मैंने नाम क्या बताया? कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH. तो यदि ये ज्यादा होगा तो एसिडिक, ये ज्यादा होगा तो बेसिक. ओके, तो इसकी कैटेगरी मैंने बता दी, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक में क्या ज्यादा होगा? मोर COOH. इसमें क्या ज्यादा होगा? मोर NH2. न्यूट्रल में क्या ज्यादा होगा? इक्वल कैटायन एंड एनायंस. परफेक्ट, नोटेड दोस्तों. Yes, और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फॉर्म्स ज्वीटर आयन्स इन सॉल्यूशन. अब ये समझने के लिए मैंने ऊपर यहां जगह रखी थी, ये ज्वीटर आयन्स क्या होते हैं? इट हैज नो नेट चार्ज. क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? COO- जो होता है बच्चों वो एनायनिक है और NH2+ कैटायनिक है, यानी इसका ये पार्ट पॉजिटिव है और इसका ये पार्ट बोलो नेगेटिव है. सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, चार्ज को मिनिमाइज कर देते हैं, नल कर देते हैं. तो ऐसा कोई सॉल्यूशन या ऐसा कोई कंपाउंड जो कि सॉल्यूशन में जितना प्लस उतना ही माइनस रखे हुए, यानी नो नेट चार्ज, यानी नो नेट चार्ज, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता. क्यों? बिकॉज नलीफाई, बिकॉज नलीफाइड ड्यू टू प्लस NH2 एंड माइनस COOH. तो प्लस और माइनस मिलकर उसको नलीफाई कर देते हैं. गॉट माय पॉइंट? यस सर. Please note,
नोटेड? यस सर। परफेक्ट। अब मैंने आपको बच्चों यहां जो ज्यूटर आयन बताया जो नलीफाई करने वाला काम है, अब ये कार्बन से इधर पे प्लस इधर पे माइनस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट और ये प्रोटीन अमीनो वाला पार्ट, तो अमीनो की वजह से कैटायनिक और कार्बोक्सिलिक की वजह से एनायनिक, सो बोथ विल नलीफाई ईच अदर एंड दैट्स इट, देयरफॉर इट फॉर्म्स व्हाट, ज्यूटर आयंस, दैट्स इट। इससे ज्यादा अमीनो एसिड का कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, 101%। अब सवाल ये कि इसमें नीट में क्या आएगा, नीट में क्या पूछेंगे, तो नीट में पूछा जाएगा उस्ताद ज्यूटर आयन, तुरंत मैं लिखाते भी चल रहा हूं, तो आपको भी नीट लिख लेना उस पर बड़ा बड़ा NEET, ये पूछा जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ये जाएगा आपसे कि यदि वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो कौन सा अमीनो एसिड होगा, ऑप्शन दे दिया सेरीन एलानिन और ग्लाइसिन, अब आपको टिक करना है। तो ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं अमीनो एसिड, एनी डाउट इन अमीनो एसिड? नो सर। नो सर। नो सर। परफेक्ट दोस्तों। अब सवाल उठता है कि मैंने ये जगह छोड़ी है, इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे अब ये प्रोटीन की चेन बनाने का। मैंने आपसे कहा अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, अग्री? इफ अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, इन दैट केस छोटी छोटी ब्रिक्स मिल मिलकर प्रोटीन बनाने वाली, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, सब प्रोटीन बनने वाला है। वो प्रोटीन कैसे बनेगा, पहले तो इसको नोट कर लिया सबने, तो मिटाऊं इसे मैं? Yes, sir. मुझे बस ये बताना है बच्चों आपको इस अमीनो एसिड के केस में कि ऐसे अमीनो एसिड को यदि मैं जोड़ता जाऊं, समझना बात को ध्यान से, एक और अमीनो एसिड बना लेता हूं, एक और अमीनो एसिड बना लेता हूं, यहां मैंने बना दिया N, ये वाला अमीनो, शॉर्ट में लिख दिया C, ये वाला C, फिर यहां लिख दिया, फिर यहां लिख दिया C N और C, तो आप देखिए एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड और बीच में एक बॉन्ड बनाता चलूंगा मैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और इस वजह से इस तरह से अपन बना देंगे प्रोटीन जिसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। आता हूं उस मुद्दे पर, इसको मिटाता हूं और मैं तुरंत ही ताकि बाद में भूल जाऊं इसकी इमेज शेयर करता चलता हूं। जस्ट मिनट, ओके, यू रिसीव, यस सर। ओके, यस सर। साथ में बच्चों लिखते चलिए नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जब रिवाइज करने का नंबर आएगा तो सारी चीजें नहीं देखते रहनी अपने, क्योंकि यकीन मानिए जितना हम लोग पढ़ाते हैं ये सारा थोड़ी ना उसमें आएगा नीट में, लेकिन ये सब बताना इलाबोरेट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। चलिए सेकेंड देखते हैं, बायोमोलिक्यूल प्रोटीन, प्रोटीन प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, फर्स्ट, और टिनी मतलब होता है पार्टिकल, पहला पार्टिकल माना जाता है लाइफ का, प्रोटियस शब्द से बना है प्रोटीन, और प्रो मतलब प्रिमिटिव फर्स्ट, तो प्रोटियस मतलब पहला, जब इवोल्यूशन हुआ होगा, जब अर्थ पे लाइफ आई होगी तो सबसे पहला कोई स्ट्रक्चर यदि माना जाता है, बायोमोलिक्यूल यदि माना जाता है तो प्रोटीन, उसके बाद ही एक्सपेक्टेड है
कि सारे उसके बाद बने हुए। ओके चलिए, तो प्रोटीन की यदि बात करते हो तो इसके पॉइंट्स लिखते हुए और समझते हुए चलते हैं। पॉइंट नंबर वन, उल्टा लिखूंगा मैं, पॉलीमर ऑफ व्हाट, इंस्टेंट आंसर चाहिए, पॉलीमर ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, परफेक्ट। पॉइंट नंबर टू, पॉलीमर जो होते हैं बच्चों दो टाइप के होते हैं, केमिकली पॉलीपेप्टाइड एंड हेटेरो पॉलीमर। है तो सही पॉलीमर, लेकिन हेटेरो पॉलीमर है। कोई बता सकता है क्या कॉमन सेंस के बेस पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो पॉलीमर एंड हेटेरो पॉलीमर? डिस्कस हुआ है अपना कल परसों कभी बच्चों? होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉलीमर कई सारी, पॉलीमर मतलब मोनोमर, मोनोमर मोनोमर जुड़ के बनाता है पॉलीमर। यदि वो पॉलीमर, सिंपल है ना, यदि मैं कह रहा हूं x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x ऐसा और एक ही टाइप को बन रहा है, तो ये जो पॉलीमर बनेगा वो कौन सा? होमो। यदि मैं आपसे कहूं x प्लस y प्लस z प्लस m प्लस n प्लस a प्लस b प्लस c, तो ये कौन सा हो? हेटेरो। दोस्तों लॉजिक लगाना था कि यदि यूनिट सेम है तो होमो पॉलीमर, इफ नॉट देन इट इज हेटेरो पॉलीमर। गॉट इट? यस सर। ओके, सो इन दैट वे प्रोटीन्स कभी भी बच्चों होमोपॉलीमर नहीं होते। अब होमोपॉलीमर नहीं होते तो फिर किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस, दो टाइप के अमीनो एसिड्स बताए गए हैं। एक बताया गया एसेंशियल अमीनो एसिड एंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। One is essential amino acid and one is non-essential amino acid. Okay. Essential amino acid. Anyone can tell me? Those amino acid that can not be synthesized in our body. Aur ye wala can be synthesize. Please note ओके और इसके अलावा बच्चों एक मैं एक्स्ट्रा नोट करके लिखाऊंगा, नोट करके बताऊंगा, वन इज नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मतलब कौन से अमीनो एसिड हुए यार? कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों दैट, दोज अमीनो एसिड्स दैट नेवर फॉर्म्स अ प्रोटीन, जो प्रोटीन को नहीं बनाते। तो इसके एग्जाम्पल में एसेंशियल अमीनो एसिड में आप मुझसे पूछेंगे तो 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल, टोटल 20 अमीनो एसिड्स ही होते। तो ये जो हेटेरो पॉलीमर बना है ये केवल कितने टाइप के अमीनो एसिड से बना है? कितने से बना है? 20 चलिए, इसलिए मैंने इसके नंबर ही नहीं लिखे क्योंकि ये चर्चा तो मतलब यहां तो आई शुड से प्राउडली कि दिस फैक्ट इज ओनली नोन बाई बताएगा कोई?
क्राउड रेजोनेंस, क्राउड रेजोनेंस कौन बोला? जो भी बोला सही बोला। ये बच्चों जनरली पढ़ाने में नहीं आता है, नो वन नोज। अच्छा सवाल तो यही खत्म नहीं होता कि हमको पता है हम तो प्राउड रेजोनाइज, यहाँ खत्म नहीं होती दोस्त कहानी। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है कि कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा, कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा। तीस मार्क। हाँ इसका एग्जाम्पल ऑर्निथीन, इसका एग्जाम्पल सिट्रुलीन। ओके प्लीज नोट। ओके नोटेड। चलिए अब सवाल है कि ये सारी चीज अपने को पता लग गई। अब अपने को बताना है कि यदि यार ये पॉलीपेप्टाइड है तो पॉलीपेप्टाइड बनता कैसे, और उस पॉलीपेप्टाइड को बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने पास अमीनो एसिड को जोड़ते चलो। देखिए ध्यान से, पेन डाउन, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन बोर्ड। एक अमीनो एसिड मैंने बनाया, कार्बन कार्बन, इधर लिख दिया मैंने एन सी। अब ये एन का क्या मतलब है? एनीवन बोलो व्हाट इज दिस एन? अरे बोलो भाई व्हाट इज दिस एन? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप। व्हाट इज दिस सी? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो शुड आई ड्रॉ सो मेनी अमीनो एसिड्स? चलेगा? चलेगा? यस। मुझे क्या करना था? मुझे यही तो करना था, मुझे इसको जोड़ना था ना x प्लस x प्लस y प्लस z प्लस n। ये सेम नहीं हो सकते बस। क्यों? क्योंकि पॉलीमर कैसा है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो। मुझे बस ध्यान रखना है कि ये चारों सेम नहीं करने हैं, दैट्स इट ना। तो ऐसे ही तो मुझे जोड़ते जाने। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं एन वन सी सी वन, जो इसके तरह नहीं होगा तो इसको लिख दिया एन टू सी सी टू, इसको लिख दिया मैंने N3CC3 और N4CC4। मतलब जाहिर सी बात है ये अलग अलग है, ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा अमीनो एसिड, दैट्स इट। अब यहां तो मैं कुछ भी जोड़ू, यहां इससे मुझे कोई, मुझे अभी इससे कोई काम नहीं है कि मैं आर जोड़ रहा हूं, कि हाइड्रोक्सीमिथाइल जोड़ रहा हूं, कि सेरीन है, कि एलानिन है, कि ग्लाइसिन है, वॉट एवर इट इज, ये इससे अलग है, बस इतना मुझे पता है। अब मैं एक अमीनो एसिड के, ध्यान से देखना, कंसेप्ट पकड़िए, लिखने की जरूरत नहीं है। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जब जुड़ता है तो बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, नाइस। तो यहाँ कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं? थ्री। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर, पेप्टाइड पीपी बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड, तो पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान से समझना, बहुत सारे नीट के क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप आदित्य आज समझ में आ रहा होगा। यस सर। ओके, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड, चार पेप्टाइड, शुड आई से पॉलीपेप्टाइड? यस यस, यस अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म। पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से बनती है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप तीसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से, तीसरे का कार्बोक्सिलिक चौथे का अमीनो, चौथे का कार्बोक्सिलिक पांचवे का अमीनो, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जा। अब यदि मैं आपसे पूछूं तो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्तों? कार्बोक्सिलिक। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? अमीनो ग्रुप। अमीनो। तो क्या मैं यहां से एक H2O निकाल सकता हूं क्या? यस यस।
ये जो मैंने माइनस एच टू ओ किया, इनके बीच बॉन्ड बनते समय होता क्या है एग्जैक्टली? माइनस एच टू ओ, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से, इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्यों? डिहाइड्रेशन भी और सिंथेसिस, वाटर निकला तो डिहाइड्रेशन, बॉन्ड बन गया तो सिंथेसिस, सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो ऐसे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? थ्री। मतलब मैं ये बता दूं कि पॉलीपेप्टाइड चेन दोस्तों जब भी बनेगी, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड इक्वल्स टू बोलो क्या? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। परफेक्ट, जितने वाटर रिलीज उतने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और दोस्तों कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, जितने पेप्टाइड बॉन्ड उतना नाम उस चेन का नहीं। जैसे यहां कितने बॉन्ड निकल रहे हैं टोटल? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? थ्री। यहां थ्री पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो एक इनोसेंट सा क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से कि सर क्या इसको अपन ट्राइपेप्टाइड कह दें? थ्री है तो क्या ट्राइपेप्टाइड कह दें, या टू है तो क्या डाइपेप्टाइड कह दें? नो, यहीं पर ट्विस्ट है। जितने पेप्टाइड बॉन्ड उससे एक ज्यादा उसका नाम, यानी कि इस चेन का नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? टेट्रापेप्टाइड। मतलब एक नीट का सवाल हो गया कि नेम ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, नेम ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड नॉट ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वो भी लिख देता हूं, एंड नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा भाई इस पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम क्या है, तो बोले रुक अभी बताता हूं, एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड, बोले ट्राइपेप्टाइड। नो भैया, ये भी तो देखो, पेप्टाइड जिसके बीच में बना होगा उसमें एक अमीनो एसिड भी तो होगा, तो यहां चार अमीनो एसिड है, सो द नेम इज टेट्रापेप्टाइड। सो यहां कितने सारे क्वेश्चन हो गए देखिए, अब जितने बॉन्ड उतना वॉटर, वॉटर कैसे निकलता है तो इनसे निकलता है, सिंथेसिस को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, चेन का नाम उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर बेस्ड ना होकर उनके अमीनो एसिड के नंबर पर बेस्ड होता है। डॉक्टर पैठने, डॉक्टर शाह, डॉक्टर बोबड़े, डॉक्टर आराध्य है कि आराध्या है? है सर, आराध्य। आराध्य, नेटवर्क ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तुम्हारा बेटा, बार बार इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है तुम्हारी, है? हाँ सर, थोड़ा इश्यू है। ठीक है, दिशा सूर्यवंशी, गुंजन पाटिल, जयेश बंजारा, मृदुला गायदनी, साक्षी समझे कि नहीं? यस सर। पुरव भाई, आज आवाज नहीं आ रही है, डॉक्टर पुरव? हाँ सर, बोला मैं। तू बोला? हाँ सर। तू बोला, मला बरं वाटलं की तू बोलला। हाँ सर, थैंक यू। चलो, नोटेड, प्लीज नोट, आई एम गोइंग टू शेयर द इमेज। यस सर। ओके, जस्ट मिनट, आई एम शेयरिंग द इमेज।
थोड़ी सी हिल गई इमेज, दो मिनट. यस शेयर. मैं बच्चों उस दिन भूल गया, क्या करता हूं मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो इमेज शेयर कर देता हूं. यानी आपका कुछ कुछ का छीटेगा तो तकलीफ नहीं, इधर भी शेयर कर देते हैं, वीडियोस भी होते हैं, बट मजा जो इस इंटरैक्टिव क्लास में है वो मजा तो और नहीं आएगा ना कहीं. चलिए मिटाऊं इसे. यस सर. यस सर मिटा दीजिए. यस सर. सो नाउ पेप्टाइड में मुझे कुछ और आपको बताना है क्या? लेट मी चेक एनसीईआरटी. प्रोटीन मैंने बता दिया, हेटरोपॉलीमर बता दिया, मैंने आपको बॉन्ड बता दिए. ओके, मिटाने के पहले एक और चीज उसमें लिख दूं यार. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, नोट करके लिखेंगे. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन टर्शियरी. एनिमल में कौन सा? कोलेजन. 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 कौन बोला? प्लांट में कौन सा? रूबिस्को. 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 जिसका पूरा नाम है राइबुलोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज. राइबुलोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसलिए उसका नाम है रुबिस्को. ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसलिए इसको भी मैंने आपको नोट करवा दिया. अब बचते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस. चलिए बताता हूं पहले, फिर आते हैं स्ट्रक्चर्स पर और फंक्शंस. सर आपने एनिमल का क्या लिखा है? कोलेजन. इसमें बच्चों कहां रहता है पता है क्या? एनीवन? ले यही नहीं पता तो काहे के रेजोनाइट्स तुम लोग, काहे के प्राउड रेजोनाइट्स हैं? बच्चों जितनी भी मस्कुलर पार्ट अपना है, दोनों एक मसल दूसरे मसल से कैसे जुड़ी है, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? इनके बीच में जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है कोलेजन है. ये सारी मसल्स जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, ये सब जुड़ा हुआ है. कैसे जुड़ा हुआ है? इनके बीच में कोलेजन मटेरियल. तो सबसे ज्यादा अबंडेंट है यदि आप पूछे तो दैट इज कोलेजन. चलिए अब आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पर. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. यस आ रहा है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ओके, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की यदि मैं आपसे बात करूं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में तीन स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं. प्राइमरी, सेकेंडरी. सेकेंडरी का अल्फा और बीटा और टर्शियरी और क्वार्टरनरी. चार स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने. चार स्ट्रक्चर कैसे कैसे? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सभी ने देखा अभी. मुझे अब क्या लिखना है? N1C C1, N2C C2, N3C C3, N4C C4 and so on. इसके बीच में एक बॉन्ड बनाना मुझे. कौन सा? पेप्टाइड. पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड. चूंकि ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. C1N2 C2N3 C3N4 and so on. इसलिए इसे कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसी बोर्ड में 10 अमीनो एसिड बिठा लें, पॉसिबल है क्या? नो सर. नो सर. बट इट इज पॉसिबल फॉर मी, इवन फॉर यू. सोचिए ना, आपकी घर की जो कार है, जब आप घूमने जाते हैं ऐसे शानदार खूबसूरत से मौसम में, त्र्यंबकेश्वर की तरफ फॉल देखने जब जाते हैं आप,
और घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो एक कार जिसमें बहुत कंफर्टेबली चार लोग बैठते हैं, आप छह छह लोग भी गए हैं, गए हैं कभी पूरा भाई? हाँ सर। डॉक्टर बंजारा गए कि नहीं कभी? यस सर। डॉक्टर दिशा सूर्यवंशी? यस सर। गए हो? अरे त्र्यंबकेश्वर के फॉल वगैरह देखें कि नहीं देखें? नहीं देखे सर। तो क्या ही देखा जिंदगी में तुम लोगों ने, क्या ही देखा? नासिक जैसे खूबसूरत शहर में रह रहे हो, इतना शानदार मॉनसून होता है नासिक का, अंजनेरी का रिवर्स फॉल किसने देखा है? सर मैंने। मैंने मैंने मतलब किसने भाई? पुराव ने देखा है यार, अंजनेरी जैसा रिवर्स फॉल, मजा आ जाती है। मतलब वहां तो इंसान होने का एहसास खत्म होता है, ऐसा आदमी उड़ने लगता है, तेज हवाएं चलती, इतना शानदार फॉल है। नासिक के आसपास ये सब चीजें तो देखो, जिंदगी भी जियो, तभी नीट निकलेगा। नीट पढ़े रहा, नीट पढ़े जगा, ते बस नीट निकल। अलग अलग शहर। दिशा मैडम। यस सर। गुंजन मैडम, लक्षा ताला का? यस सर। ओके सृजन। बच्चों मैंने इसको पॉसिबल बनाना है, और ऐसे 10 मॉलिक्यूल भी अमीनो एसिड के मैंने बिठाल देने, जैसे कि कार में 6 लोग बैठ जाते हैं। कैसे? पीछे की सीट पर जहां कंफर्टेबली 2 बैठते हैं, हम एक आगे एक पीछे। यस, तब क्या बातें होती हैं? दीदी थोड़ा आगे सर को, भैया थोड़ा पीछे आ जा, चाचा थोड़े आगे हो जाओ, चाची थोड़ा पीछे हो जाओ, आगे पीछे आगे, जैसे कि शेयरिंग ऑटो में हम लोग बैठते हैं। और उसमें होता क्या है, जो पहले आगे निकला है उसका घुटना और तीसरे का जो आगे निकला है उन दोनों के घुटने टकराने लगते हैं, जो पीछे गया है उसका शोल्डर चौथे वाले के शोल्डर से मिलने लगता है। इज इट? यस सर। यस सर। ऐसी जिगजैग अरेंजमेंट में होता क्या एक्चुअली, वो जो घुटने टकराते हैं ना, जो शोल्डर टकराते हैं उससे एक बॉन्ड बन जाता है और गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। ऐसे ही बॉन्ड में स्टेबिलिटी आ जाती है। कैसे? N1C C1, N2C C2, N3C C3, N4C C4, N5C C5, N6C C6, like this। अब देखिए जहां 4 बैठे थे 6 बिठाल दिए, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, अरेंजमेंट zigzag कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखता है वो अल्फा हेलिक्स का कुछ इस तरह दिखने लगता है, लाइक दिस। दिस इज प्लस, जो भी हो, एन का इधर प्लस तो इधर माइनस। आया क्या समझ में दोस्तों? यस सर। परफेक्ट। इसी को तो कहा गया अल्फा हेलिक्स, क्योंकि वो दिखने में कुछ इस तरह दिख रहा था। जस्ट लाइक अल्फा लेट। यस परफेक्ट, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। सो इट इज कॉल्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्ट्रेट लाइन था, जो स्ट्रेट लाइन था वो कौन सा? प्राइमरी। जो अल्फा हेलिक्स है वो कौन सा? सेकेंडरी। लेकिन फिर और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो क्या होगा यार, और ज्यादा अमीनो एसिड हो जाएं, बढ़ते जाएं तो क्या होगा? तो बीटा प्लेटेड शीट बनेगी। कैसे? Like this, beta plated sheet, कुछ इस तरह से शीट बन गई।
अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट बनी इसमें ये तो हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन और इसके बीच में क्या हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन, ये चौथी चेन और सबको जोड़ दिया किसने, एक एडिशनल बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी यार कोई मुझसे पूछे कि प्राइमरी में कौन सा बॉन्ड था तो केवल एक मुझे पता है कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। केंद्र में मुझे एक पता था पेप्टाइड बॉन्ड और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पहले से चौथा, पहले से चौथा ऐसे ग्लाइकोसाइड ऐसे प्रोटीनिशियस बॉन्ड बन जाता है, बट इट डजंट मैटर। लेकिन तीसरे में तो सेकेंडरी वाले के एच बॉन्ड इसमें तो अल्फा है लेकिन बीटा प्लेटेड शीट में तो एक नया बॉन्ड आ गया दैट इज हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स और इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट क्योंकि ये प्लेट लाइक है, बीटा प्लेटेड शीट। प्लीज नोट ओके नोटेड दोस्तों, यस सर। अब आप मुझसे पूछोगे सर इससे भी ज्यादा अमीनो एसिड हो जाए तो, इससे भी ज्यादा अमीनो एसिड हो जाए तो फिर यार और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दैट कैन नॉट बी इवन ड्रॉ लाइक Can you imagine? This is the structure of tertiary. ठीक वैसा ही दोस्तों जैसे वो पतंग का मांजा होता है ना, पतंग का मांजा जब नीचे जमा हो रहा है तो वो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो टर्शरी, क्या ही उसमें बनाओ, इतना ज्यादा हो गया है zigzag, लेकिन इसके बीच में इतने सारे बॉन्ड्स बन गए यार, इतने सारे बॉन्ड्स बन गए जिसकी हद में, और इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड्स का नाम पेप्टाइड के अलावा भी, नॉट ओनली पेप्टाइड क्योंकि पेप्टाइड तो रहेंगे ही बट पेप्टाइड के अलावा इतने सारे एडिशनल बॉन्ड ऐड हो जाते हैं, इतने सारे ऐड हो जाते हैं कि इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देते, इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शरी और टर्शरी से ज्यादा स्टेबल क्वार्टरनरी। तो टर्शरी में कौन कौन से बॉन्ड एडिशनल हो जाते हैं कोई बताएगा? डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक हो गया। कौन बोला? स्पंदन, एक हो गया बच्चों। पेप्टाइड बॉन्ड वो तो होता ही है, जहां पर भी सीएन जुड़ा होगा वहां वीक वंडरवॉल बॉन्ड, वीक वंडरवॉल बॉन्ड, वीक वंडरवॉल इंटरैक्शन, आयोनिक बॉन्ड, परफेक्ट। कौन बोला? सर वीक वंडरवॉल को वेदांत ने बोला। आयोनिक बॉन्ड और कौन सा होगा? डाइसल्फाइड ब्रिजेस और कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन। और कौन सा होगा? और भी रह गया कोई? नो सर हाइड्रोफोबिक। सर कैन यू एक्सप्लेन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड? हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है बच्चों? वाटर अवे फ्रॉम द वाटर। जब भी कहीं पर ऐसा कोई बॉन्ड बने जो कि वाटर सॉल्युबिलिटी को कम करता हो, ऐसा बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। यूजुअली ये प्रोटीन के लेयर में होता है क्योंकि जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस जो वाटर लविंग ना हो, फोबिक मतलब पता है आपको, यस और नो? यस सर। जब भी कोई दो नॉन पोलार ग्रुप होंगे बच्चों, बिटवीन टू नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करते हैं, उसको वाटर रिपेलिंग रखते हैं, अवे फ्रॉम द वाटर रखते हैं। दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोफोबिक।
अब ये बनते कहां है? जैसे मान लेते हैं एडिशनल स्टेबिलिटी, यहां से सल्फर निकला, यहां से सल्फर, ये डाइसल्फाइड, इनके बीच में बन गया वीक वैंडरवॉल, इनके बीच में बन गया डाइसल्फाइड, लाइक दिस। इस तरह एडिशनल बॉन्ड बनते जाते हैं और उसको स्टेबिलिटी देते जाते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसमें कौन सा सवाल आएगा, 101% टर्शियरी स्ट्रक्चर, 101%, ये नीट का सवाल मैंने लिख दिया, नीट, समझदार बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा उसको। इसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, एनीवन? कारण ये है, मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स आर फाउंड इन विच स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नीट इज कंसर्न। तो फिर क्या प्राइमरी सेकेंडरी के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे? हाँ बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी के अपने को एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, 101% लिखने पड़ेंगे। लाइक प्राइमरी का तो कोई होता ही नहीं, प्राइमरी तो स्टेबल ही नहीं होता, अनस्टेबल, क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं है, जरा हीट वीट लगी तो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, वो तो स्टेबल ही नहीं है, तो उसके कोई एग्जाम्पल लिखने से मतलब ही नहीं है। लेकिन आपके हेयर यानी बालों का केराटिन है ना, आपकी मसल का मायोसिन, ये सब किसके स्ट्रक्चर है, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन, ये सब किसके स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। परफेक्ट। और टर्शियरी को तो एग्जांपल क्या ही लिखे, मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन, यही उसका एग्जांपल है। प्लीज नोट व्हेन आई शेयर द इमेज, नोटेड दोस्तों? यस सर, यस सर। सृजन, सृजन, साक्षी, मुग्धा, मृदुला, यस सर। नोटेड बच्चों? यस सर। मुझे बोल दिया करो। उत्कर्षा माली, उत्कर्षा डॉक्टर बात नहीं कर रही है आजकल आप, क्या बात है? तन्मय, तनुजा, योगेश चौहान, डॉक्टर्स, यस सर, जीवित हो? हाँ सर हूँ। तो जीवित होने का एहसास कराओ भाई। चलिए मैं इस बीटा प्लेटेड को थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहां से जगह बना लेता हूँ, मूव फॉर वॉट, ताकि इसको मैं लिख दू बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड, और इस जगह का मैं इस्तेमाल करूं फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हो गया, अरे चौथा रह गया ना, चौथा रह गया, वो यही बनाना पड़ेगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब जब टर्शियरी ऐसा था तो मुझे कोई क्वार्टरनरी बनाने में मदद करेगा क्या? क्या ही बनाऊ मैं क्वार्टरनरी यार, क्या ही बनाऊ, सिर्फ क्या लिख सकता हूँ उसका, हीमोग्लोबिन। मैं उसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वार्टरनरी बनाना मेरे बस की तो बात, और कितना ही उलझाऊ उसको। बट क्या मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा 1, 2, 3, 4 में? क्वार्टरनरी। क्यों ऐसा लगता है, क्यों ऐसा लगता है? बोलिए क्यों ऐसा लगता है? Because most of the protein are found in it. अरे मोस्ट ऑफ द तो टर्शियरी में है मैडम, क्वार्टरनरी बोल रहे हैं आप लोग, बोलो। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ। कुछ स्पंदन, साक्षी, मोर एंड मोर बॉन्ड फॉर्म। डिंपल कौन है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे बेटा आज डिंपल?
डिंपल दिस इज योर फर्स्ट डे डिंपल वाड़े बोलो बच्चों डॉक्टर वाड़े अरे गजब yes, कर sir. रहे हो यार आपका पहला डे फर्स्ट डे आज नो सर माय नेम इज लारण्या तो फिर आपने किसके नाम से एंट्री की सर दैट्स माय सिस्टर्स नेम ओके तो ऐसा बोलिए ना इतना टाइम थोड़ी लगता है बोलना चाहिए कि सर लावण्या इज ओके नो प्रॉब्लम क्या पूछ रहा था मैं क्या पूछा था बुला दिया लावण्या मैडम आपने व्हाट आई वाज आस्किंग द स्ट्रक्चर व्हिच ऑफ द फोर स्ट्रक्चर इन व्हिच ऑफ द फोर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सर क्वार्टनरी हैज देयर मोर बॉन्ड्स विल बी फॉर्मड इज मोस्ट देन टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी और रीजन पूछ रहा था मैं सिंपल रीजन है दोस्तों यार मोर एंड मोर बॉन्ड्स विल बी फॉर्मड इन क्वार्टनरी मोर विल बी द बॉन्ड्स मोर विल बी द बॉन्ड्स मोर विल बी द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक इट More will be the bonds, more will be the energy needed to break it. तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी ब्रेक करने के लिए बजाय इसकी तो वैसे ही ब्रेक पड़ा हुआ है एक जरा हीट दी नहीं तो प्राइमरी टूट गया फिर उससे स्टेबल सेकेंडरी उससे स्टेबल टर्शियरी उससे स्टेबल तो नीट का ये सवाल है दोस्तों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी प्लीज नोट सो दैट आई डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स So that I'll discuss the functions of protein. I found the space even. Order of stability को मैं क्या कर सकता हूँ? बिना मिटाए यदि मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ जगह का, तो वैसे कर सकता हूँ. Order of stability, quaternary is more stable than tertiary. Tertiary is more stable than secondary. Secondary is more stable than primary just because of boliye number of bonds increasing number of bonds order of stabilities because of number of bonds ab mujhe yahan jagah mil gayi so what I can do is functions of proteins and for this I want to share an image first and then I'll give you an assignment jo main aapse poochne jaunga very next class sure For this, I want to share, if possible, let me check. Yes. I can share an image so that I can discuss. Yes, wait. Sharing an image. I hope screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ proteins और उसके कुछ functions दिए गए हैं दोस्तों. अब protein के functions दिए गए मतलब यार कोई आपसे पूछे कि ऐसा कोई protein बताओ जो ground substance का या cementing का काम करता हो तो क्या answer दोगे? Collagen.
कोलेजन क्या आप कोई ऐसा प्रोटीन बता सकते हो जो एंजाइम हो? ट्रिप्सिन क्या कोई ऐसा प्रोटीन बता सकते हो जो हार्मोन हो? इंसुलिन प्रोलैक्टिन क्या कोई ऐसा बता सकते हो जो आपकी बॉडी का डिफेंस का काम करता हो? एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोटीन होता है क्या? तोते की तरह इम्यूनोग्लोबुलस हाँ कोई बोला क्या? कौन बोला? वेदांत सर क्या है वेदांत बोलो एंटीबॉडी का दूसरा नाम? इम्यूनोग्लोबुलस परफेक्ट कौन बोली पहले? मुग्धा वेरी नाइस इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी है ना ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो कोई ऐसा प्रोटीन जो सेंसरी काम करता हो रिसेप्शन का काम करता हो चीजों को समझने का काम करता हो यार रिसेप्टर्स प्रोटीन और कोई ऐसा जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में मदद करता हो उस प्रोटीन का नाम क्या? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स फोर ग्लूट बट दोस्तों ये तो हो गई जो सामने दिख रही थी जो चीजें सामने दिख रही थी वो हो गई अब असाइनमेंट दूं आपको यस सर तो असाइनमेंट ये है कि क्या आप मुझे ऐसा कोई प्रोटीन बता सकते हैं जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट का काम करता हो? हीमोग्लोबिन वो तो O2 ट्रांसपोर्ट इसको ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं लिपिड ट्रांसपोर्ट लिपिड ट्रांसपोर्ट करने वाला O2 ट्रांसपोर्ट करने वाला लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने वाला सोचते रहिए आप लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने वाला O2 को करने वाला स्ट्रक्चर बनाने वाला और स्टोरेज करने वाला और कॉन्ट्रैक्ट करने वाला स्टोरेज करने वाला ग्लूटीन और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाला बहुत सारे फंक्शन और कोई टॉक्सिक प्रोटीन यानी बहुत सारे फंक्शंस ही फंक्शंस है प्रोटीन सो दैट विल बी योर असाइनमेंट That's all, my dear amino acids and proteins. Please tell me if you find any doubt. Please tell me, Aditya Shivaye or Aditya, दूसरा आदित्य का क्या नाम है? Surname? Aditya Patil. Aditya Patil. Dr. Shivaye and Dr. Patil. आज का lecture समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इतना परसेंट समझ में आया पाटिल साहब? सर 80% 20% कहाँ काट लिए मेरे दोस्त? सर वो कुछ कुछ चीजें समझ नहीं रही थी थोड़ी तो वो रिवाइज करूंगा तो समझ आ जाएंगी। अच्छा मुझे कितने नंबर देगा 10 में से आज के लिए? पूरे मिलेंगे सर। अरे मजाक नहीं क्या खाएगा बोल। शिवाड़े सर आपने कितने देना? अरे कुठे कापले दोन मार्क्स 2% कुठे कापले? रिवाइज करूंगा तो 100 भी हो जाएंगे। एक बार रिवाइज करूंगा तो 100 हो जाएंगे। तेरे क्यों काट रहा है भाई? तो तेरे नंबर काट मेरे क्यों काट रहा है? ओके स्पंदन मैडम कितने नंबर देना रहा आज? सर 100% 100% मेरा मत काटो भैया लगो यार क्यों मेरी नौकरी पानी छीन रहे हो क्यों पेट पे लात मार रहे हो यार चलो जस्ट जोकिंग हाँ बोलो मैं मेरा बता रहा था आपको 10 में से 10 अच्छा ओके वेरी गुड तो मिठाई पार्टी मेरी तरफ से एनीवेज जस्ट जोकिंग अपने को आज समझ में आ गया बच्चों अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स अगला हम इसका अगले टप्पे पर जाएंगे दैट विल बी एंजाइम उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आएगा तो बढ़िया मजे से पढ़ते रहिए इस चैप्टर को कसम खा लीजिए कि आज अपने को फिनिश करना है डाउनलोड करो पीडीएफ एनसीईआरटी की उन दो बायोमोलिक्यूल के चैप्टर की और उसको पढ़ के डन कर तो 100% हो जाएगा डन
Any doubt in today's session? No, sir. No, sir. Should I close the session? Yes, sir. Yes, sir. All the best. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, bye. Thank you. Yes, sir. Thank you. Bye, sir. Goodbye.